दोस्तों बंदर धरती के सबसे अनोखे जीवों में से एक होते हैं और ये अपनी हरकतों से कभी भी किसी का भी मनोरंजन कर सकते हैं क्योंकि इनकी हरकतें कुछ ऐसी होती है। और दोस्तों आज हम भी आपको बंदरों की कुछ ऐसी हरकतों वाली वीडियोस दिखाने वाले हैं जिनको देखकर आपको भी एक बार के लिए हंसी आई जाएगी। तो चलिए फिर देर ना करते हुए जल्दी से शुरू कर लेते आज के इस कमाल की वीडियो को। अब भाई जरा सबसे पहले आप इस वीडियो पर ही नजर डाल लीजिए जहाँ पर एक बड़े चिंपांजी को एक छोटा चिंपांजी एक लकड़ी की मदद से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये बड़ा चिंपांजी भी इस छोटे से चिंपांजी से डर रहा है। हालांकि दूसरे वाला चिंपांजी भी इतना छोटा नहीं है लेकिन इसके पास एक लकड़ी होने की वजह से ये शुरुआत में इसे बुरी तरह डर रहा था। लेकिन जब इसका माथा सटका तो इसने उससे वो लकड़ी छीन ली और लकड़ी छीनने के बाद उस दूसरे वाले चिंपांजी की हालत खराब हो गई और वो यहाँ से भागने लगा। लेकिन अब तो इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसी वजह से इसने उस लकड़ी की मदद से इसको अच्छा खासा सबक सिखा दिया और अब ये आगे से किसी भी चिंपांजी से पंगा नहीं लेने वाला है। यहाँ पर भी दो चिंपांजी आराम से बैठे हैं लेकिन इस एक चिंपांजी के साथ में इसका बच्चा है और इसके हाथ में खाना है और इसी दौरान ये दूसरा वाला चिंपांजी इससे खाना मांगने लगता है। लेकिन जो ये उससे खाना मांगता है तो उसका माथा सटक जाता है और वो इस दूसरे वाले चिंपांजी को लात मार के नीचे गिरा देता है। दोस्तों यहाँ पर वो चिंपांजी बड़े गुस्से में आकर इस चिंपांजी को इस तरह लात मार के नीचे गिराता है कि जैसे मानो कह रहा हो अरे खाना खाएगा ये ले पहले मेरी लात खा। अब दोस्तों जरा इस चिंपांजी से भी मिल लीजिए जिसको अपने दुश्मन से बदला लेना है और इसी वजह से ये काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है जिसमें सबसे पहले तो जाकर एक बैक फ्लिप मारता है और उसके बाद भी नहीं रुकता है और उसके बाद में ये एक पुशअप भी मारता है जिससे इसके शरीर को ताकत मिल सके और ये अपने दुश्मन का खात्मा कर सके। अरे वाह भाई चिंपांजी तूने तो मौज ही कर डाली। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इस वीडियो के अंदर इस बड़े वाले गोरिल्ला का पता नहीं किस बात को लेकर माथा सटक जाता है और इसी वजह से ये इस दूसरे वाले गोरिल्ला को उठाकर फेंक देता है। लेकिन इसकी इस हरकत की वजह से वो दूसरे वाला गोरिल्ला भी इसको यही कह रहा होगा अरे भाई मुझे क्यों तोड़ा मेरी क्या गलती थी। ये बंदर भी अपनी शक्ल इस बाइक के कांच में देखकर काफी देर से कंफ्यूज है कि अरे भाई ये मेरे जैसा कौन है यहाँ। लेकिन इन बंदर मासे को कौन समझाए कि वो असल में एक मिरर है और इनके सामने कोई भी दूसरा बंदर मौजूद नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। यहाँ पर ये चिंपांजी मासे एक कपड़ा पता नहीं कहाँ से ले आते हैं और उसको ओढ़ लेते हैं। लेकिन ओढ़ने के बाद इनको याद आता है कि इन्होंने तो उसको झटका मार के साफ ही नहीं किया है और इसी वजह से ये फिर से उसे नीचे उतार लेते हैं और नीचे उतारने के बाद ये उसे झटका मार के साफ कर लेते हैं और फिर साफ करके उसको वापस ओढ़ लेते हैं। अरे वाह भाई इनकी समझदारी को तो एक सैल्यूट तो बनता ही है। ये बंदर भी काफी देर से इस झूले के ऊपर बैठा है और यहाँ पर झूला खाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये बेचारा चाकर भी झूला नहीं खा पा रहा है और इसी वजह से काफी देर तक इसका साथी इसको देखते रहता है। लेकिन आखिर में उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो भी इसकी मदद करने पहुंच जाता है। लेकिन वो जाते के साथ ही इसको इतनी बुरी तरह घुमाता है कि बेचारे की हालत ही खराब हो जाती है। अब भाई वो इसे धन्यवाद बोले या ना बोले लेकिन झूला रुकने के बाद इसकी तुड़ाई जरूर करने वाला है क्योंकि इसने बेचारे को बुरी तरह जो घुमाया है।
वैसे झूला खाने के मामले में ये बंदर माँ से भी जरा पीछे नहीं है। देखिए तो किस तरह ये तारों पर बैठकर आराम से झूला खा रहे हैं, जैसे मानो ये किसी रस्सी पर बैठे हो। दोस्तों बंदर कितने ज्यादा हटी और शरारती होते हैं, इसका बेहतर उदाहरण आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर एक छोटा सा बंदर काफी देर से इन दो डॉग्स को उकसाता हुआ दिखाई दे रहा है और बार बार इनके पास जाकर इनको लड़ाई के लिए बोल रहा है, जैसे मानो दोनों को कह रहा हो, अरे आ जाओ सालू, दोनों को एक एक करके निपटा दूंगा, तुमने अभी मेरी ताकत देखी नहीं है। लेकिन उन दोनों डॉग के शांत रवैये को देखकर ये लगता है कि वो दोनों इसको ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं और वो दोनों इसे यही कह रहे होंगे, अरे मरना है तेरे को, डर नहीं लगता क्या। इस वीडियो में बंदरों की टोली के बीच में एक गिरगिट फंस जाता है, जिसके बाद इस गिरगिट के चारों ओर बंदर ही बंदर हो जाते हैं और इनमें से कुछ बंदर जिज्ञासुवश इसकी पूंछ को पकड़कर खींचते हैं, तो वहीं कुछ बंदर इसको छूने का प्रयास करते हैं। अब इन बंदरों को कौन समझाए कि यह धरती पर ही रहने वाला एक जीव है जिसे गिरगिट कहा जाता है, ये कोई एलियन नहीं है, जो कि ये सभी बंदर मिलकर इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे मानो ये तो कोई एलियन है और ये तो धरती के बाहर से ही यहाँ पर आया है। दोस्तों इस कुत्ते की तो किस्मत काफी ज्यादा बुरी थी और इसी वजह से ये इस व्हीकल के नीचे छुपने से पहले इन बंदरों ने इसे पकड़कर बाहर निकाल लिया और बेवजह बेचारे को बुरी तरह धो डाला। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी जिसकी वजह से ये मौका रहते यहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेता है, वरना बेचारे के साथ आज और भी बुरा हो सकता था। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको बंदरों से जुड़ी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट भी कमेंट कर देना, हम जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।